हेलो गाइस, आप देख रहे हो टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, मेरा नाम है शिवम। तो गाइस, आज मैं आपको आज हमारे पास है सैमसंग का J26। तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम है, जैसे कि हम इसमें चार्जर लगाते ही डायरेक्ट ऑन हो रहा है गाइस। चार्जिंग शो करने के बजाय डायरेक्ट ऑन हो जाता है पिन लगाते ही। तो फ्रेंड, इसके बारे में मैं आपको पूरी अच्छी तरह से चेक करके बताऊँगा। तो गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट शुरू से एंड तक पूरा देखना है गाइस। इसमें जो प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हो, इसमें जो ये प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने पिन इसमें प्लग इन की है, तो प्लग इन होने के बाद फ्रेंड फ़ोन जो है अपने आप ही रिबूट होने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ये प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें से मदरबोर्ड को निकाल लेना है। बोर्ड निकालने के बाद गाइस, आपको दिखा देता हूँ कौन सा मॉडल है, सैमसंग का J210F। तो गाइस, देख सकते हो आप कौन सा मॉडल है। तो गाइस, बोर्ड को अलग कर लेना है। कॉम्बो में से अलग करने के बाद जो पहला स्टेप है गाइस, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे पेस्ट लगाना है। आपको यहाँ पे पेस्ट लगाने के बाद हल्की सी रीहॉटिंग करनी है। ओके गाइस, यहाँ पे आपको NICO। तो गाइस, यहाँ पे आपको हल्की सी पेस्टिंग करने के बाद गाइस, आपको रीहॉटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत सी बार ऐसा होता है कि इसमें पानी चला गया या कोई लिक्विड वगैरह चला गया, तो गाइस इस वजह से ये शॉर्ट हो जाती है। तो आपको इसे एक बार रीहॉटिंग करके चेक करनी है IC को कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसे हमें ठीक से रीहॉटिंग करना है। आराम से ध्यान रहे कि ईयर जो है कमी रहनी चाहिए, ईयर ज़्यादा ना हो ताकि कंपोनेंट वगैरह इधर उधर ना हो। आपको एयर कमी करनी है। रीहॉटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, आपको चेक करना है। तो गाइस, ऐसे कॉम्बो में सेट करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम थी हमारी सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। ओके गाइस, तो गाइस जो प्रॉब्लम है इसमें वो जो भी तो है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले रीस्टार्ट हो रहा था, तो फ्रेंड्स अभी भी ये रीस्टार्ट ही हो रहा है। आपको जो दूसरा सोल्यूशन बताऊंगा मैं, आपको वही करना है, आपको IC चेंज करनी पड़ेगी फ्रेंड। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, तो आपको इसके लिए एक बोर्ड चाहिए होगा ऐसा ही। तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए एक सेम बोर्ड चाहिए होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रख रखा है, तो इसमें आपको ये सेम बोर्ड चाहिए होगा फ्रेंड्स। इसके लिए आपको ये IC चेंज करने के लिए, क्योंकि गाइस मार्केट में नहीं भी मिल सकती है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे हर जगह देखी है, मुझे तो कहीं भी नहीं मिली। दिल्ली वगैरह मार्केट में आसानी से ये मिल सकती है चार्जिंग IC के नाम से। Thank you.
फ्रेंड्स हल्का हल्का पेस्ट लगा लेना है इन पर, ताकि ये आसानी से उतर सकें, हीट हो सकें। हल्का हल्का पेस्टिंग करनी है गाइस। पेस्टिंग करने के बाद गाइस आपको ईयर हॉट गन से आपको निकालनी है ऐसी प्रॉपर तरीके से। ध्यान रहे आईसी के पास में जो कंपोनेंट है उन पे एयर ज़्यादा ना लगे। तो गाइस कृपया ध्यान से करें, क्योंकि इसके आजू बाजू बहुत सारे कंपोनेंट हैं, अगर एक भी इधर उधर हुआ तो फ्रेंड प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स आपको ये जो ब्लैक वाली आईसी दिख रही है चार्जिंग आईसी, इसे रिमूव करना है इस बोर्ड से, जो कि शॉर्ट हो रखी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरे पास एक सेम G26 का ही मदरबोर्ड है, तो फ्रेंड्स मैं उसमें से निकाल के लगा रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा बोर्ड है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स आप न्यू आईसी भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं गाइस। जैसा कि गाइस दिल्ली वगैरह में मिलती हैं ये चीज़ें, यहाँ तो मिलने की नहीं, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये सिंपली चेंज करनी है। ध्यान दें इधर उधर ज़्यादा ठीक से सेट होनी चाहिए, अगर इधर उधर हल्का सा भी प्रिंट इधर उधर होगा तो। ओके फ्रेंड्स आपको बड़े प्यार से ही चेंज करनी है आईसी, ताकि ध्यान रखना कि इधर उधर ना हो। और फ्रेंड आईसी मैंने जो कि आप चेंज कर दिए, आप देख सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो ब्लैक वाली आईसी है ये मैंने चेंज किया, आप देख सकते हैं जैसे थी वैसे ही लगा दिए। तो ओके गाइस कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, बड़े आराम से ये चेंज कर सकते हो आप। तो फ्रेंड मैं आपको दिखाऊंगा आप इसे कॉम्बो में लगा के चेक करना है कि फ्रेंड इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है या नहीं। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना, बैटरी लगानी है और चेक करना है। तो गाइस ओके फ्रेंड्स जैसा कि पहले आपने देखा वीडियो में, तो गाइस जैसे कि पहले जो वीडियो दिखा रखी थी मैंने आपको, उसमें फोन रीस्टार्ट हो रहा था, तो फ्रेंड्स बैटरी का लोगो आ चुका है। बैटरी का लोग आने के बाद फ्रेंड्स आपको चार्जिंग चलती हुई भी दिखाऊंगा मैं। तो गाइस चार्जिंग जो है इसमें होनी स्टार्ट हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स बैटरी लूज है, तो फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा चेक करें। ओके गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं बैटरी फिलहाल 0% पे है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो फ्रेंड 0% पे है बैटरी। तो गाइस बैटरी जो हमारी है चार्ज होने लगा है फ़ोन। तो आप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आईसी चेंज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे ऐसे ही नए नए वीडियो डालता रहता हूँ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें फ्रेंड, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना गाइस, ताकि मैं नए नए अपलोड डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि फ़ोन जो है चार्ज होने लगा है हमारा। बस गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। थैंक यू गाइस। तो फ्रेंड्स, ये वो बोर्ड है जिसमें से मैंने आपको चार्जिंग आईसी निकाल के दिखाई लगाई थी जिसकी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वाली आईसी मैंने इसमें लगाई थी। जो इसमें प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, चार्ज लगाते ही रिस्टार्ट होने की। तो फ्रेंड्स, ये वो आईसी है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये छिटांग वाली आईसी है आपको जो चेंज करनी है, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम में कोई फ़ोन आता है तो। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज़।